एवरीवन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम एक वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड ये जो आपका टॉपिक है ये है बॉयस मेथड वर्सेस स्टैक्स मेथड ठीक है सो ये दोनों ही जो मेथड होते हैं आपके फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी में आपके जो टीथ होते हैं टीथ की हेल्प से एज का डिटामाइन करने के लिए यूजफुल होते हैं ठीक है सो so, ये किस एज ग्रुप के लिए यूज़फुल होते हैं इनकी हेल्प से कैसे कैसे हम एज का डिटर्मिनेशन करते हैं एंड इसमें क्या क्या होता है तो वो पूरा का पूरा आज हम डिटेल में देखने वाले हैं एंड यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं तो इसी वजह से ये दोनों ही मेथड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके एंड आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर को हमारे इस चैनल को वन ईयर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा सो so इसलिए मैं आप लोगों से एक सपोर्ट चाहती हूँ थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ कि ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर आने से पहले पहले आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कराने में प्लीज़ मेरी थोड़ा सा हेल्प करिएगा मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा ठीक है सो so, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे एंड इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर तक हमारे इस चैनल के पूरे वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए ठीक है एंड uh, अभी हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं जो बॉयड्स मैथड होता है वो क्या होता है सो दिस मैथड वॉज डिवाइज्ड बाय बॉयड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री बॉयड एक साइंटिस्ट थे इन्होंने 1963 में इस मेथड के बारे में बताया था ठीक है इस मेथड में क्या होता है इट इज़ अ मेथड फॉर एक्यूरेट एज एस्टिमेशन बाय मींस ऑफ इंक्रीमेंटल लाइंस जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं उनकी हेल्प से जो आपका एज होता है उसका एस्टिमेशन किया जाता है सो so, बेसिकली ये जो आपका बॉयट्स मैथड होता है जो आपके आ, न्यू नेटर्स होते हैं जो न्यू बॉन्स बेबी होते हैं मतलब जितने भी आ, बच्चे होते हैं जो चाइल्ड होते हैं ठीक है उनके एज के जितने भी इन्फेंट्स होते हैं जितने भी छोटे छोटे चाइल्ड्स होते हैं उनकी एज डिमाइन करने के लिए बॉयट्स मैथड का यूज़ किया जाता है सो so, इसमें क्या रहता है जो आपकी इंक्रीमेंटल लाइन्स प्रेजेंट होती हैं आपके डेंटीन पर आपके इनेमल पर उसके बेसिस पर एज का डिटर्मिनेशन किया जाता है ठीक है सो इट कैन बी सीन ऑन हिस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन ऑफ टीथ जो इसका जो हिस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन होता है टीथ का उसमें यह आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाती है सो so, ये कैसे दिखती हैं हिस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन किस तरह से होता है वो पूरा अभी हम आगे की पूरा एक डायग्राम की हज़ार पूरा अच्छे से इसको समझेंगे सो दे अपियर एज क्रॉस हिस्ट्रिएशन ऑन द एनिमल एंड रिप्रेजेंट द डेली इंक्रीमेंट्स ऑफ ग्रोथ सो ये क्या होती हैं एक तरह से क्रॉस इस्ट्रिएशन जैसी आपको इनेमल के ऊपर देखने को मिलती हैं एंड ये जो आपकी डेली इंक्रीमेंट्स ग्रोथ होती हैं जो आपकी डेली डेली जो इनेमल पे ग्रोथ हो रही होती है तो वो इंक्रीमेंटल लाइंस के फॉर्म में आपको दिखती है ठीक है सो उसी के बेसिस पर आपको जो एज का एस्टिमेशन होता है उसी के बेसिस पर बर्ड ने आपका एस्टिमेट किया था कि किस तरह से आपका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंक्रीमेंटल लाइन की हेल्प से एज का डिटर्मिनेशन ठीक है सो बॉयड साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था 1963 में बताया था एंड इसका एज एस्टिमेशन होता है बाई मीन्स ऑफ इंक्रीमेंटल लाइन्स प्रेजेंट ऑन इनमे ठीक है सो so, ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं बॉयड लॉ से रिलेटेड तो यहाँ पर क्या है एन एक्सेप्शनली वेल मार्क्ड लाइन इज़ नोन एज न्यो नेटल लाइन इज़ फॉर्म्ड एट बर्थ ठीक so, well है सो कुछ एक्सेप्शनली वेल मार्क्ड लाइन होती हैं जिनको कि हम न्यू नेटल लाइन कहते हैं जो कि बर्थ के टाइम पर ही फॉर्म हो जाती हैं तो उन सभी लाइन को हम कहते हैं न्यू नेटल लाइन्स ठीक है सो ये हो गया आपका एंड इसके अलावा द नंबर ऑफ क्रॉस इस्ट्रिएशंस फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ आर काउंटेड एट एंड दिस प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एज सो इसमें क्या रहता है जो नंबर ऑफ क्रॉस इस्ट्रिएशंस होते हैं बर्थ से लेकर के डेथ तक तो उसके बीच में जो काउंटिंग होती है जब आप पूरा जो स्ट्रिएशन लाइंस होती हैं इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं तो जब आप उनकी पूरी काउंटिंग करते हो एक्यूरेटली तो उससे जो आपका एज का एस्टिमेशन होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है ठीक है so, सो इस मेथड से जो आप एज का एस्टिमेशन करते हो वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहता है इसके अलावा दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल मेनली टू इन्फेंट्स जो आपके इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है बेसिकली ये मेथड इन्फेंट्स के लिए ही यूज़फुल होता है इसके अलावा द एज कैन एज कैलकुलेटेड इज एक्यूरेटली विद एन एरर ऑफ अराउंड ट्वेंटी डेज जो यहाँ से एज का मेजरमेंट आपको निकल के आता है जो भी आपका एस्टिमेशन होता है कि अप्रॉक्सीमेटली इतनी एज होगी तो उसमें जो आपका एरर रेट रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी डेज का रहता है ट्वेंटी डेज का एरर रेट यहाँ पर आपको इस मेथड से देखने को मिलता है ठीक है सो ये हो गया आपका इस तरह से होता है बॉयट्स मेथड जहाँ पर आपको इंक्रीमेंटल लाइंस की हेल्प से आप पूरा एज एजेशन करते हो बेसिकली इन्फेंट्स के लिए होता है ये आपका मेथड यानी कि जितने भी न्यू बॉर्न्नस होते हैं वन ईयर तक के जो बेबीज़ होते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है किसी वजह से तो उनकी एज में और एज का एस्टिमेशन करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी डेज का प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है ठीक है सो तो ये हो गया आपका बॉयट्स मैथड एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर इसको पूरा डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं सो so, यहाँ पर आपको ये एक टीथ दिख रहा है इस टीथ के अगर हम अंदर वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका पल्प है पल्प के जो ये बाहर का पोर्शन होता है ये वाला इसको हम डेंटीन बोलते हैं एंड डेंटीन के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं यानी कि जो सबसे अंदर होता है वो पल्प होता है पल्प के ऊपर जिस चीज़ की कवरिंग होती है उसको हम डेंटीन बोलते हैं एंड डेंटिन के ऊपर जिस चीज़ की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल ठीक है सो so, ये हो गया इसके अलावा जो आपका डेंटिन होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आपको इस तरह से ग्रोथ लाइंस इंक्रीमेंटल लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं इस तरह की जो लाइंस होती हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी जो डेंटिन होता है उनकी डेंटिन के टिश्यूज़ में डेंटिन में आपका ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसमें लाइन के फॉर्म में लेयर बाय लेयर इनका फॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से इसमें कुछ लाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है सो तो ये जो लाइंस होती हैं इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल लाइंस ठीक है lines, ये जो आपकी इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं ये आपके यहाँ पर जो आपकी डेंटिन में देखने को मिलती हैं सबसे जो न्यू वाली होती हैं जो स्टार्टिंग से होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यू नेटर लाइन इन डेंटिन ठीक है dentine, ये वाली जो लाइंस होती हैं डेंटिन में जो लाइंस प्रेजेंट होती हैं इंक्रीमेंटल लाइंस उनको हम बोलते हैं नियोनेटल लाइन इन डेंटिन ठीक है अभी जो डेंटिन होता है उसी में जहाँ से आपका इनेमल स्टार्ट होने वाला होता है जहाँ पर आपकी जो डेंटिन बिल्कुल जस्ट नया नया कंप्लीट हुआ होता है फॉर्मेशन उसका उसको हम बोलते हैं प्री नेटल डेंटिन ने एंड जो आपकी जिस डेंटिन की ग्रोथ पहले ही हो चुकी होती है जो पुराना होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल डेंटीन जो कि आपका प्री नेटल डेंटिन के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये हो गया आपका इसके अलावा अगर हम न्यूनेटर लाइन की बात इनेमल के साइड से करें ठीक है तो यहाँ पर ये इसके बाहर का जितना पोर्शन है ये वाला ये आपका होता है इनेमल इनेमल में क्या रहता है इनेमल में जहाँ पर आपकी जहाँ से आपकी इनेमल की स्टार्टिंग हो रही होती है तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी न्यू लाइन्स उनको हम बोलते हैं न्यू लाइन इन इनेमल वही सारी आपके आपकी इंक्रीमेंटल लाइन होंगी जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी वैसे वैसे लेयर बाई लेयर इनेमल का आपका फॉर्मेशन होता है तो वो जो लेयर्स बनती हैं उन्हें को हम इंक्रीमेंटल लाइंस बोलते हैं इनेमल में भी सेम वही चीज़ होती है डेंटिन में भी सेम वही चीज़ होती है ठीक है सो उसमें तो सबसे नई वाली सबसे आपकी जहाँ से स्टार्टिंग हो रही होती है इनेमल की वो जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं नियोनेटल लाइंस, ठीक है एंड इसके अलावा नीचे का जो पोर्शन होता है उसको पोस्ट नेटर इनमल बोलते हैं ना सबसे आपका नया वाला बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्री नेटर इनमल ठीक है सो so, ये हो गया आपका इसके अलावा अगर आप एक सिंपल सा एक डायग्राम देखें मान लीजिए ये एक टूथ है एंड ये डेंटिन है एंड इसके अंदर ये पल्प है ठीक है so, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लाइंस देखने को मिलेंगी इनको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल लाइंस, वैसे ही सेम आपको टीथ के जो इनेमल होता है वहाँ पर भी अब कुछ इनेमल आपको इंक्रीमेंटल लाइंस या फिर ग्रोथ लाइंस देखने को मिलती हैं उनको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल लाइंस या फिर न्यूमनेटल लाइंस जो कि आपकी नई वाली बनी हुई होती हैं जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही होती है उनको हम न्योमिटल लाइन्स बोलते हैं ठीक है सो ये हो गया आपका पूरा टीच के जितने इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं उनके बारे में आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड यहाँ पर ये यह आपका बॉय स् लॉबी कम्प्लीट होता है जहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टैक्स मैथड की दिस मैथड वॉज डिवाइज बाई स्टैक इन नाइनटीन सिक्सटी तो ये जो आपका मेथड था इसको स्टैक इस ने डिवाइस किया था 1960 में इस मेथड के बारे में स्टैक ने बताया था 1960 में ठीक है स्टैक हैज़ प्रोवाइडेड अ रिग्रेशन लाइन ऑफ वेट ऑफ ग्रोइंग डेंटल टिश्यूज अगेंस्ट एज सो यहाँ पर क्या होता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपकी डेंटल टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर हम टीथ की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डेंटल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं ठीक है सो जो डेंटल टिश्यूज़ होते हैं वो जो टिश्यूज़ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ भी वही लेयर बाई लेयर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो लाइन्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन्स ठीक है सो ये जो आपके रिग्रेशन लाइंस होती हैं डेंटल टिश्यूज़ में इन लाइंस का वेट करके आपको एज का एस्टिमेशन करना होता है ठीक है सो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन वेट ऑफ डेंटल टिश्यूज़ जो आपका वेट होता है डेंटल टिश्यूज़ का उसके बेसिस पर आपको एज का एस्टिमेशन करना होता है एंड बाई यूजिंग दिस मैथड दिस मैथड एज ऑफ अनोन कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम फाइव मंथ्स इन यूट्रो टू पोस्ट नेटल एज ऑफ मतलब कि बर्थ से पहले जब बेबी जो होता है यूट्रस में होता है प्री नेटल स्टेज में होता है तो प्री नेटल स्टेज के फाइव मंथ से लेकर के पोस्ट नेटल स्टेज के सेवन मंथ्स के बीच के ड्यूरेशन जो होती है किसी भी चाइल्ड की किसी भी इंफेंट की किसी भी फीटस की उसकी एज का एस्टिमेशन करने के लिए आप स्टेक्स मेथड का यूज़ करते हैं ठीक है सो ये होता है आपका स्टैक मेथड जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होता है आपका वॉयस मेथड से क्योंकि वॉइस मेथड में क्या होता है आपके टीथ में जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं जो टीथ्स होते हैं उसके बेसिस पर पूरा एस्टिमेशन किया जाता है लेकिन स्टैक्स मेथड में क्या होता है यहाँ पर टीथ का आपका टीथ की इंक्रीमेंटल लाइंस नहीं यहाँ पर डेंटल टिश्यूज़ जो होते हैं जहाँ से जिस टिश्यू से आपके एक टीथ का ओरिजिनेशन होना होता है तो वहाँ पर जो आपकी इंक्रीमेंटल लाइन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं आपका रिग्रेशन लाइन एंड वही उसी की वेट करके आपको एज का एस्टिमेशन करना होता है और जो एज का एस्टिमेशन होता है वो रहता है आपका प्री नेटल स्टेज की फाइव मंथ से लेकर के पोस्ट नेटल स्टेज के सेवन मंथ तक की ड्यूरेशन तक आप एज का एस्टिमेशन कर सकते हैं ठीक है so, तो यहाँ पर ये यह पूरी चार्ट है पूरा टेबल है यहाँ से आप देख सकते हैं किस एज के आपका किस एज में आपके कितने वेट आपको देखने को मिलेगा ताकि आपको पता चल सके ठीक है so, सो जो प्री स्टेज के प्री नेटल एज के जो वीक्स होते हैं यहाँ पर स्पेलिंग गलत है ये वीक्स होगा ठीक है so, सो जो आपके ट्वेंटी एट वीक्स होते हैं प्री नेटल स्टेज के ट्वेंटी एट वीक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब आप डेंटल टिश्यूज़ का वेट करेंगे तो वहाँ पर वेट आपको मिलेगा सिक्सटी मिलीग्राम यहीं पर अगर आप फोर्टी वीक्स के जो प्रीट प्री नेटल स्टेज के फोर्टी वीक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको वेट मिलेगा फोर मिलीग्राम टू वीक्स आपके पोस्ट नेटल के बाद में टू वीक्स ठीक है बर्थ के बाद के टू वीक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको जो जो आपको वेट मिलेगा डेंटल टिश्यूज़ का वो होगा आपका 530 मिलीग्राम एंड आफ्टर पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ थर्टी वीक्स के बाद थर्टी वीक्स तक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको वेट देखने को मिलेगा 1840 मिलीग्राम ठीक है तो ये पूरा का पूरा चार्ट है ये आप थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा हो भी सकता है आ जाए ठीक है तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए आपका बेसिक जो डिफरेंस होता है बॉयट्स मैथड एंड स्टैक्स मैथड में यही डिफरेंस होता है कि बॉयट्स मैथड में आपके जो इंक्रीमेंटल लाइन्स होती हैं इनेमल पर डेंटीन पर उनका आपका एस्टिमेशन होता है उनका एग्जामिनेशन होता है लेकिन जो स्टैक्स मैथड होता है वहाँ पर जो आपके डेंटल टिश्यूज होते हैं उनमें जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं उनमें जो डेंटल टिश्यूज़ में जो इंक्रीमेंटल लाइंस हो रही होती हैं जो बन रही होती हैं जिनको कि हम रेग्रेशन लाइंस बोलते हैं उनका वेट करके आप इसमें इस मेथड में, में स्टेक्स मेथड में पूरा एज का एस्टिमेशन करते हैं ठीक है सो ये हो गया आपका पूरा वर्ड्स मेथड एंड स्टेक्स मेथड के बारे में आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड फिर से मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर से पहले पहले हमारे इस चैनल के पूरे वन थाउजेंड सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवाने में प्लीज़ मेरी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा ठीक है बॉयट्स एंड स्टैक्स मेथड की जो पी है वो आपको फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा वहीं पर सारी बहुत सारी पी आपके पढ़ने के पर्पस से अवेलेबल है तो आप उनको देख सकते हैं ठीक है एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर